विद्युत उपमंडल नम्होल के अंतर्गत आने वाले बिजली के कनेक्शनों की अब खैर नहीं। विद्युत उपमंडल नम्होल के उपमंडल नम्होल के एसडीओ ने बताया कि काफी महीनों से उपभोक्ता अपने बिजली के बिल जमा नहीं करवा रहे हैं, जिन्हें विभाग की ओर से कई बार सूचित भी किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उपभोक्ता अपने बिजली के बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 1100 उपभोक्ता जिनका लगभग 40 लाख लागत के बिजली के बिल अभी तक जमा नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन कार्यवाही करने जा रहा है और ऐसे बिगड़ैल उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली विभाग कार्यवाही करने जा रहा है और ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं को विभाग की ओर से अंतिम सूचना दी जा रही है, उसके बाद भी उपभोक्ता अपने बिजली के बिल जमा नहीं करवाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्यवाही करके बिजली के मीटर को काटने पर मजबूर होना पड़ेगा। सहायक अभियंता ब्रिजलाल ठाकुर ने बताया कि कुछ उपभोक्ता काफी महीनों से बिजली के बिल जमा नहीं करवा रहे हैं और उन्हें काफी बार विभाग की ओर से सूचना भी दी गई, लेकिन फिर भी उपभोक्ता बिल जमा नहीं करवा रहे, जिसको लेकर अब विभाग कार्यवाही करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 40 लाख से ज्यादा के बिल जमा नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर विभाग कार्यवाही करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि आईपीएच विभाग को भी लाखों रुपए जमा न करवाने के लिए नोटिस दे दिया गया है। विद्युत उपमंडल नम्होल के अंतर्गत आने वाले सभी उपभोक्ताओं से मेरी प्रार्थना है कि कृपया अपने विद्युत बिल जो जमा कराने को हैं, कृपया अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी जमा कराने की कृपा करें, अन्यथा आपकी विद्युत सप्लाई बिना किसी अग्रिम सूचना के काट दी जाएगी, क्योंकि हम पहले भी समाचार पत्र के माध्यम से 2 बारी आपको अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अवगत करवाने के बावजूद भी कोई आपके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए मेरी अंतिम बार विनम्र निवेदन है कि कृपया सभी उपभोक्ताओं को करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आपने विद्युत बिल अतिशीघ्र जमा करवाने की कृपा करें, ताकि कोई असुविधा ना हो। सर, कितने उपभोक्ता है और कितना? 1100, लगभग 1100 उपभोक्ताओं के बिल अभी जो कि 3-3, 4-4 महीनों से पेंडिंग पड़े हैं, और इसका कम से कम 40 लाख, लगभग 40 लाख रुपए जो है पेंडिंग पड़ा है। इसलिए मेरी एक बार और प्रार्थना है कि कृपया, ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ऐसा कदम विद्युत बोर्ड ना उठाएं, तो अतिशीघ्र जमा करवाने की कृपा करें।